और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंप्लीट लेजर पोस्टिंग करनी है। पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिना जर्नल एंट्री के लेजर पोस्टिंग नहीं की जा सकती, और जर्नल एंट्री के अंदर जो बातें आप लिखेंगे बस आपको उन्हीं बातों को एज इट इज इंडिपेंडेंट अकाउंट बना बना के कॉपी कर लेना। जर्नल एंट्री में दो नाम हमेशा एक साथ होते हैं, एक डेबिट का और एक दूसरा क्रेडिट का। हम जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इन दोनों के अंदर क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, दोनों के अंदर क्या कर देते हैं, तलाक कर देते हैं। डेबिट वाला अपने घर जाता है और क्रेडिट वाला अपने घर जाता है, एक दूसरे से उसका कोई वास्ता नहीं रह जाता, ठीक है। तो जब भी हमें लेजर पोस्टिंग करनी होती तो क्या करने पड़ते हैं, जितनी भी जर्नल एंट्री बनाई है उसमें जो जो नाम यूज हुए हैं उतने उतने अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी गिवन है और उसी को मैं यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे करा रहा हूँ। पहली एंट्री जो इस क्वेश्चन में गिवन है उसमें लिखा है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। यहाँ पे तो सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन आपको अपने से जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए कि रमेश ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। जनवरी 1st को एंट्री बनेगी और जब बिजनेस स्टार्ट करते हो बिजनेस में कैश आते हैं, यहाँ पे लिखा है 50,000 रुपये का कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, असेट बढ़ने पर डेबिट होती है और कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल क्या होती है क्रेडिट। तो पूरी जर्नल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, और 50,000 की एंट्री बनती है। और भी एंट्री आएगी लेकिन मैं एक एक करके उनकी लेजर पोस्टिंग अब करना शुरू कर रहा हूँ। जो जर्नल एंट्री बनाऊंगा उसका इफेक्ट साथ साथ शो करते हैं। चलिए हमने जर्नल एंट्री बना दी है और इस जर्नल एंट्री में दो नाम यूज हुए हैं, दो अकाउंट यूज हुए हैं, कौन कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अभी तक तो जर्नल एंट्री में दोनों साथ हैं, अब इनका तलाक कर देंगे हम, दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो हमें इसको अलग अलग करने के लिए दो अकाउंट की नीड है, कौन कौन से अकाउंट की नीड है, एक तो इंडिपेंडेंट कैश अकाउंट होना चाहिए, दूसरा इंडिपेंडेंट कैपिटल अकाउंट। सारे अकाउंट जो मैंने बनाए कुछ एक ड्राफ्ट के अंदर मैंने नाम भर दिए पर्टिकुलर, कुछ में नहीं भरे टाइम सेव करने के लिए, लेकिन सबके अंदर ही आपको एग्जाम में नाम और जो है वो पर्टिकुलर वगैरह सब कुछ भरना पड़ता है। तो मैं एक अकाउंट जो मुझे सीक्वेंस के हिसाब से चले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहला अकाउंट जो उसका नाम क्या कर देते हैं, कैश अकाउंट रख देते हैं, ऊपर जो नाम लिखोगे वही अकाउंट वो बन जाएगा। सारे अकाउंट देखने में एक ही जैसे, तो जो नाम लिख दोगे वही अकाउंट वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट बना दिया, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट कौन सा चाहिए, कैपिटल अकाउंट। तो एक अकाउंट बना देते हैं कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। अब वहां से देखते हैं कौन क्या है, अभी तक कंबाइन है, हमें इनको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, और सेपरेट करते वक्त जो नाम जहां है वहीं पर उसके घर में उसे पहुंचा देना है। यहां पे देखो जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट कहां बैठा है, कहां बैठा भी जर्नल एंट्री में, डेबिट साइड में 50,000, तो मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड इस एंट्री का घर है। तो कहां है भी कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट, और यहां पे कहां बैठेगा जाके, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में देखो जर्नल एंट्री में वो जहाँ पे वो बैठा नजर आएगा वहीं पर उसे यहाँ पे बैठा देना, वहाँ पर वो डेबिट साइड में है तो उसे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जो एड्रेस वहाँ पे मिलेगा वहीं पे उसे भेजेंगे, ठीक है। डेट डाल देते हैं, डेट क्या भाई, ये जनवरी 1st। उसके बाद नाम लिखना है, नाम लिखते वक्त यहाँ पे 2 लगाएंगे फिर नाम लिखेंगे, नाम भी थोड़ी देर में लिखते हैं। दूसरा पार्ट बताओ इसके अंदर, दूसरा पार्ट कौन सा था, कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे तो कंबाइन था लेकिन यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एड्रेस बताओ डेबिट है कि वो क्रेडिट है, क्रेडिट है। ये देखो ये रहा कैपिटल अकाउंट और ये रही क्रेडिट साइड, यहाँ पर 50,000 करें तो वो बात कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर भी डेट डालेंगे, डेट तो सेम रहेगी जनवरी 1st, और इधर क्रेडिट में कुछ भी लिखने से पहले क्या लिखा जाएगा, पहले बाय और उसके बाद फिर नाम, क्लियर है। नाम लिखने का अब क्या रूल है इसमें, जो पर्टिकुलर उसमें कैसे लिखते हैं भाई, नाम जब भी भरते हैं, अब तो हमने उसका तलाक करा दिया लेकिन पहले तो रिश्ता था, किससे रिश्ता था बताइए, कैश का, कैपिटल से। तो जो दूसरा नाम था वो नाम भरना पड़ेगा जिससे उसका रिलेशन बनाया गया था, किससे बनाया गया था, कैपिटल अकाउंट से, सिंपल सा लॉजिक। और एक आसान तरीका होता है, जो नाम तुमने ऊपर लिखा वो नाम नीचे कॉपी नहीं होना चाहिए, कोई भी नाम लिख लो लेकिन सेम नाम नीचे कॉपी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा बताओ कैपिटल क्या रिश्ता, उसका भी किससे क्या, कैपिटल से नहीं, कैपिटल का रिश्ता कैश से बनाया था जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे नाम किसका लिखेंगे, कैश अकाउंट। हो गई जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग। चलिए अगली जर्नल एंट्री देखते हैं, अगला ट्रांजेक्शन की हमने परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 7,000। जनवरी की 4 तारीख हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स का अकाउंट तो हम ओपन नहीं करते, परचेज का अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है ना। गुड्स के अंदर हमेशा कॉस्ट का लिखते हैं, और गुड्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 7,000 टू कैश अकाउंट रुपीज 7,000, क्लियर है। अब इसकी पोस्टिंग करने के लिए मुझे फिर से दो अकाउंट की जरूरत है, इसमें से एक अकाउंट नया है और एक हमने ऑलरेडी बना लिया, पिछली बार ही बना लिया था। कौन सा अकाउंट नया है, परचेज का अकाउंट, तो किसी एक अकाउंट का नाम रख दो परचेज अकाउंट। तो मैं चलो इस अकाउंट का नाम जो अगला आया उसका नाम क्या कर देता हूँ, परचेज अकाउंट।
ऊपर अकाउंट पूरा लिखना है। कैश का अकाउंट मेरे पास है, चलो अब इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग चले जाएंगे। अभी साथ है लेकिन अब अलग अलग चलेंगे। सबसे पहले परचेज का एड्रेस बताओ क्या है अभी परचेज का, डेबिट है तो कहाँ है परचेज अकाउंट, कहाँ है परचेज अकाउंट, ये रहा परचेज अकाउंट और ये रही डेबिट साइड, ये है उसकी क्रेडिट साइड। तो डेबिट करना है वहाँ पे, देखो एड्रेस में साफ साफ लिखा है तुमने डेबिट करना है तो डेबिट कर दो। डेट क्या अभी ट्रांजेक्शन की, January 4। अब वेट क्या करना, नाम भी भर दो भाई, परचेज का रिश्ता किसी से तो बना होगा, किससे, कैश से, तो यहाँ पे लिख दो कैश अकाउंट था भाई, हो गया सारा कुछ। अच्छा दूसरा कौन था उस जर्नल एंट्री में, उसको भी अलग करना जरूरी है, कौन था जर्नल एंट्री में, कैश, उसका एड्रेस बताओ डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है, ये रहा कैश अकाउंट, ये रही क्रेडिट साइड, 7000 पे लिखा है वहाँ पे, देखो जर्नल एंट्री में 7000 ही लिखा है कैश को क्रेडिट में, देखो मैंने भी कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में जो वहाँ पे एड्रेस मिलेगा वहीं पे यहाँ पे डालूंगा। डेट, डेट तो वही है क्या, January 4, बाय लिख के फिर रिलेशन किसके साथ था वो लिखें, किसके साथ रिलेशन था इसका, परचेज अकाउंट के साथ रिलेशन बना था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। क्लियर है सबको। अगली एंट्री, अगला ट्रांजेक्शन, इसमें लिखा है परचेज फर्नीचर ₹5000 January 5। 5 जनवरी को हमने क्या कर लिया, इसके अंदर फर्नीचर खरीद लिया है 5000 रुपये में। फर्नीचर हमारी एसेट होती है और खरीदने से एसेट बढ़ती है, तो हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। क्लियर है। अब इसको पोस्ट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए मुझे दो अकाउंट की नीड फिर से है। कौन कौन से अकाउंट की नीड है, एक तो फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो मैं पहले से बना के बैठा हूँ लेकिन एक फर्नीचर अकाउंट अभी तक नहीं बना, तो किसी एक अकाउंट को बना लो फर्नीचर अकाउंट, तो मैं इस अकाउंट को बना देता हूँ फर्नीचर अकाउंट। आगे से फर्नीचर की जब भी नाम आएगा ना फर्नीचर का, यहीं पर एंट्री आएगी। बताओ फर्नीचर को जर्नल एंट्री में कहाँ रखा गया, डेबिट में क्या क्रेडिट में, डेबिट साइड में, तो उसका एड्रेस डेबिट है, ये रहा फर्नीचर अकाउंट और डेबिट एड्रेस के अंदर डाल दो 5000। 5000 ये देखो चेक कर लो, सारी बातें और भर दो, जो डेट वगैरह है वो भी डाल दो। डेट है January 5, 2 लिखो और फिर रिलेशन किससे बनाएंगे इसका, कैश से इसका रिलेशन बना था, यहाँ से नहीं पता चल रहा, वहाँ से पता चल रहा है कि इसका रिलेशन कैश से था। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी भाई, कैश अकाउंट में, और एड्रेस क्या है उसका, क्रेडिट, तो ये रहा कैश अकाउंट और ये रही क्रेडिट साइड। डेट डाल दो January 5 और यहाँ पे बाय लिख के बताओ क्या नाम लिखना पड़ेगा, बाय फर्नीचर अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री के अंदर दूसरा जो रिलेशन बना था वो फर्नीचर से बना गया, तो रिलेशन जिसका था बनाया वो हम रिलेशन का नाम बस भर देते। अगली एंट्री, सोल गुड्स फॉर कैश ₹5000, January 6 हमने सामान बेचा है नगद, तो कैश हमें रिसीव होगा, कैश हमारी एसेट बढ़ेगा ₹5000। और सेल्स का अकाउंट, गुड्स तो लिखते नहीं है, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा 5000। फिर से दो नए नाम चाहिए, दो नाम नहीं चाहिए, एक ही नया चाहिए, एक तो पुराना है, कैश तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक अकाउंट सेल्स का बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं सेल्स अकाउंट। चलिए सबसे पहले कैश का एड्रेस देख लेते हैं, कैश कहाँ पे है, कैश 5000 पे डेबिट है, तो आप सबसे पहले 5000 डेबिट करो। आप अगर नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि मैं हमेशा सबसे पहले अमाउंट लिखता हूँ, उसके बाद सारी डेट और नाम भरता हूँ, सबसे पहले उसके अमाउंट को सही एड्रेस पे पहुंचा, उसके बाद सारी चीज़ें भर दी जाएगी, फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर तुम पहले नाम वगैरह लिखने की कोशिश करो तो चांसेस है गलत हो जाए, लेकिन अगर तुम सबसे पहले अमाउंट लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो कैश डेबिट था, देखो मैंने डेबिट कर लिया। अब डेट डाल देते हैं, डेट क्या डालेगी इसमें, January 6, 2 लिखेंगे और रिलेशन किससे क्रिएट किया था, सेल्स से, सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री कहाँ जाने वाली है, अब सेल्स में, ठीक है ना, दोनों नाम दोनों पोस्ट होंगे अलग अलग। सेल्स कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड मैंने मतलब यहाँ पे लिखेंगे, देख लो फिर से मैंने पहले अमाउंट लिखा है। डेट डाल देते हैं अब January 6, बाय लिख के लिखेंगे रिलेशन किससे बना था इसका, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है। अगली एंट्री नेक्स्ट में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹4500। डेट है January 8, हमने परचेज किया गुड्स मोहन से, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, ₹4500। और मोहन जिससे हमने उधार खरीदा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो वो क्रेडिट भी होगा ₹4500। फिर से परचेज का अकाउंट तो हमने बना रखा है ऑलरेडी, मोहन का अकाउंट नहीं बनाया, तो एक नया अकाउंट मोहन के लिए बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं मोहन्स पर्सनल अकाउंट, खाली मोहन्स अकाउंट भी लिख सकते हैं लेकिन पर्सन का नाम है तो मोहन्स पर्सनल अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा बताइए इस जर्नल एंट्री में कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, परचेज अकाउंट सबसे पहले डेबिट है, परचेज डेबिट है, कहाँ है परचेज अकाउंट, देखो ये रहा परचेज अकाउंट,
और ये रहा डेबिट एड्रेस 4,500। देख लो, चेक कर लो, जनरेटी में उसका एड्रेस डेबिट था, मैंने भी इसको डेबिट कर दिया। डेट डाल दो इसकी, डेट क्या डलेगी, January 8। नाम टू लिख के लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे, टू मोहन, खुद का नाम तो लिखा नहीं जाएगा, रिलेशन जिससे बना था उसका नाम लिखा जाएगा। और एक हमें मोहन का अकाउंट चाहिए, रहा मोहन का अकाउंट, जनरेटी में बता मोहन कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो सबसे पहले क्रेडिट में फिगर डालो 4,500। अब डेट डाल देते हैं January 8, और अब नाम भर देते हैं, नाम क्या भरेंगे यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद 12 तारीख को सोल गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट ₹2,000, हमने सोहन को सामान बेच दिया है, तो सोहन को सामान बेचेंगे तो सोहन डेबिट हो जाएगा, हमारा डेटर क्रिएट हो जाएगा, और हमें सेल्स से इनकम होगी, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ₹2,000, क्लियर है। दो अकाउंट चाहिए इसके अंदर, एक सोहन और एक सेल्स। सेल्स का अकाउंट तो हमारे पास बना हुआ है, सोहन का अकाउंट नहीं बना है, तो एक अकाउंट बना देते हैं सोहन के लिए, सोहन्स पर्सनल अकाउंट। बताइए, सोहन जर्नल एंट्री में डेबिट में रखा गया कि क्रेडिट साइड में, डेबिट में, तो ये रहा सोहन, ये रही डेबिट साइड, यहाँ पे भर दो, दो हो जाते हैं। डेट डाल दो, क्या डालेंगे, डेट January 12, टू लिखो और रिलेशन बना दो, किसके साथ, सेल्स के साथ। दूसरी एंट्री सेल्स के अंदर है, जर्नल एंट्री के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जर्नल एंट्री में साथ है, लेजर में अलग अलग हो जाएंगे। सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट है, ये रहा सेल्स, ये रही क्रेडिट साइड, 2,000 पे डेट डालो इसमें January 12, और यहाँ पे लिखो बाय, लिख के क्या, बाय सोहन, क्लियर है सबको। नेक्स्ट, यहाँ से अब आपकी कंबाइन एंट्री शुरू हो गई है, 15 तारीख को पेड वेजेस 4,000 एंड सैलरी ₹2,500, हमने दो पेमेंट एक साथ कर दिया, एक तो वेजेस की पेमेंट कर दी है तो खर्चा होने पर डेबिट करते हैं, दूसरा सैलरीज की पेमेंट कर दी है, सैलरीज अकाउंट डेबिट। वेजेस की पेमेंट हमने 4,000 की है, सैलरी की पेमेंट 2,500 की है, और दोनों के लिए हमें कैश देना पड़ा होगा, टू कैश अकाउंट कितना, 6,500, क्लियर है। यहाँ पे बच्चे अब कंफ्यूज रहते हैं, जो लोग पहले नाम भरेंगे वो पक्का गलत करेंगे एग्जाम में, और जो लोग पहले अमाउंट भरेंगे उनका ये अभी भी चाहे जितना मर्जी क्वेश्चन में मुश्किल कर दे, उनका अमाउंट सही भरा जाएगा और उनका अकाउंट सही बनेगा। चलो कोई बात नहीं, अब इसको पोस्ट करते हैं और समझते हैं क्या करना है। हमें इस जर्नल एंट्री में तीन नाम नजर आ रहे हैं, वेजेस, सैलरी और कैश। कैश का तो अकाउंट हमारे पास है, वेजेस और सैलरी का अकाउंट नहीं है, तो दो अकाउंट हम बना लेते हैं, एक बन जाएगा वेजेस अकाउंट और दूसरा बन जाएगा सैलरीज अकाउंट, ठीक है जी। चलो अब मुझे बताओ वेजेस का एड्रेस और अमाउंट, वेजेस का एड्रेस और अमाउंट कितना है, वेजेस डेबिट होना है 4,000, यही है, वेजेस अकाउंट डेबिट होना है 4,000, क्लियर है। डेट डाल देते हैं, डेट डालेंगे January 15। अब बनाएंगे रिलेशनशिप, बताइए इसका रिलेशनशिप क्या सैलरी से बनेगा, नहीं नहीं नहीं, सैलरी तो इसके साथ ही है, रिलेशनशिप दूसरे से बनाया जाता है, रिलेशनशिप अपने से नहीं बनाया, तो उसका भाई समझो उसको, तो ठीक है। वेजेस और सैलरी दोनों का कंबाइंड रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा, कैश के साथ बनेगा, और कैश का कंबाइंड रिलेशनशिप किसका बनेगा, कैश का इन दोनों के साथ बनेगा, बात समझिए। ये समझ लो कि ये कोई एक राजा और ये दो उनकी पत्नियां समझ लो, ये दोनों आपस में रिलेटेड इन्हीं की वजह से हैं, अगर ये हट जाए तो इनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, इन दोनों का रिलेशन इसके साथ है और इस अकेले का रिलेशन दो के साथ है, ये अच्छी तरह से समझ लिया। अपने कैटेगरी के लोगों को हम रिलेटेड पर्सन नहीं मानते हैं, जो अपोजिट होते हैं उनको रिलेटेड मानते हैं, तो ये दोनों ही इससे रिलेटेड है, और ये अकेला दो लोगों से रिलेटेड है, समझ आ गई बात ये। तो नाम जब भरेंगे तो वेजेस में सैलरी का नाम नहीं भरेंगे, वेजेस में किसका नाम भरेंगे, वेजेस में नाम भरेंगे भैया इसका रिलेशन कैश के साथ है, और एक और रिलेशन भी है, सैलरी का भी रिलेशन है। बताओ सैलरी के अंदर सबसे पहले क्या करना है, डेबिट एड्रेस के क्रेडिट है, डेबिट है, कितने से डेबिट है, ₹2,500 से डेबिट है, तो ₹2,500 ही डेबिट करूंगा। डेट इसकी भी वही है, जनरल एंट्री बड़ी है लेकिन डेट वही है 15 तारीख, और इसका रिलेशन भी किससे बनेगा, टू कैश अकाउंट। और अब कैश पे आ जाओ, कैश में कितना लिखा है आपने, 6,500 क्रेडिट, यही है, ये रहा कैश अकाउंट, 6,500 क्रेडिट होगा, चेक कर लो 6,500 ही क्रेडिट है, मैंने भी कैश अकाउंट में 6,500 क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसका रिश्ता कितने लोगों से है, इसका रिश्ता दो लोगों से है, तो दो नाम भरने पड़ेंगे मुझे January 15 को दो नाम लिखने पड़ेंगे, किस किस से रिश्ता है इसका, एक तो वेजेस अकाउंट से, दूसरा सैलरीज अकाउंट से,
क्लियर ही है। अब आपको क्या सर, ये नाम तो दो भर दिया, अमाउंट एक है, तो अब तुम्हें तरीका बताता हूँ भाई। अगर नाम दो भरने हैं तो तुम रकमें दो बार में रखोगे तो 6,500 ही ना। देखो 6,500 लिखने वाला हूँ, लेकिन जब दो रिश्ते हैं तो दोनों का मिला के 6,500 कर दूंगा। एक के आगे लिख दूंगा 4,000, दूसरे के आगे लिख दूंगा 2,500। चेक कर लो, मैंने लिखे तो 6,500 ही है। 1 रुपया कम नहीं लिख रहा, 1 रुपया ज़्यादा लिखा। तुमने बोला 6,500 क्रेडिट करो, मैंने 6,500 ही क्रेडिट किया। कोई तुम्हें पैसे देने आ जाए तो मैं उससे लेने, मैं कहता हूँ कि इसे 500 रुपये। अब वो 500 रुपये का एक नोट दे तो ले लोगे नहीं ले लोगे? और अगर वो 100-100 के 5 देना चाहोगे तो भगा दोगे उसके, भैया हम नहीं लेंगे। वैल्यू 500 होनी चाहिए, चाहे एक नोट से मिले चाहे 5 नोट से मिले। इवन 50-50 के भी देना चाहे 10 नोट तो एक्सेप्ट कर लेंगे, भैया वैल्यू तो 500 ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। बात समझ आ रही है? वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, वैल्यू 6,500 होनी चाहिए। अगर वो दो हिस्सों में आ रहे तो दो हिस्से में आ रहे, दो नोटों में आ रहे दो नोटों में आ रहे, एक में आ रहे एक में आ रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। आपने लिखा है कैश को क्रेडिट 6,500, तो यहाँ पे भी 6,500 ही क्रेडिट होगा। बट नाम दो आगे तो मैंने उसको डिवाइड करके लिख दिया 6,500। ठीक है, अब एक बार फिर से सीखेंगे कंबाइन एंट्री। अगली एंट्री भी हमारी कंबाइन एंट्री है, लेकिन इस बार हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जनवरी 20 में लिखा है रिसीव कमीशन 1,200 रुपये और फीस 800 रुपये। हमें कमीशन भी मिला है और हमें फीस भी मिली है। कमीशन मिलता है तब भी कैश मिलता है, और फीस मिलती है तब भी कैश मिलता है। तो आपको ज़्यादा कैश मिला, इसका मतलब आपको टोटल दोनों का मिला के कैश कितना मिल गया? 2,000। इसमें से कुछ पैसा जो है वो कमीशन का है, टू कमीशन अकाउंट 1,200 रुपये, और कुछ पैसा किसका है? फीस का है, टू फीस अकाउंट, जो कि वैल्यू कितनी है? 800 रुपये। क्लियर है? अब इसकी पोस्टिंग करने के लिए मुझे 3 अकाउंट चाहिए, एक तो कैश, दूसरा कमीशन, तीसरा फीस। कैश तो मेरे पास है, कमीशन और फीस नहीं है। तो क्या करता हूँ मैं, शुरू की कुछ एक एंट्री जो है यहाँ से मिटा देता हूँ, कुछ एक एंट्री मिटा देते हैं और यहाँ पर कुछ नए अकाउंट जो है वो ड्राफ्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी लेजर पोस्टिंग में हमारे को हेल्प करेंगे। अभी इसी पोस्टिंग को करने के लिए कम से कम 2 नए अकाउंट मुझे बनाने पड़ेंगे। अकाउंट का फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, जैसे पहले अकाउंट बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और ये मेरा पहला अकाउंट बन गया एक, और एक और अकाउंट बना लेते हैं दूसरे अकाउंट को। एक को नाम कमीशन दे देंगे, दूसरे को नाम दे देंगे फीस अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन सबके अंदर ये बात लिखनी होगी, एग्जाम में डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, और डेट पर्टिकुलर LF वगैरह सब कुछ आपको लिखना होगा। ठीक है, 2 अकाउंट मैंने यहाँ पे बना लिया। चलिए कैश का अकाउंट बना हुआ है, एक अकाउंट कौन सा बनाना है? कमीशन। तो इस अकाउंट का नाम रख देते हैं जी कमीशन अकाउंट है, और इस अकाउंट का नाम क्या रख देते हैं? फीस अकाउंट। क्लियर है? चलिए आ जाइए, सबसे पहले कैश को क्या किया जाना है? डेबिट, ये रही डेबिट साइड, 2,000 रुपये। लेकिन नाम भी लिखने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कितने नाम भरने पड़ेंगे? दो नाम भरने पड़ेंगे। इसलिए एग्जाम में आप 2,000 पे दो पहले से डिवाइड कर दो, लिखने तो 2,000 है, लेकिन इसको किस फॉर्म में लिखो भैया? एक बार लिख दो 1,200 और एक बार लिख दो 800। कैसे है तो 2,000 ही, लेकिन 1,200-800 मुझे पता है नाम दो भरने पड़ेंगे, तो लिख के क्या मिटाओ एग्जाम में, पहले से 1,200-800 का, तो 2,000 ही तो डेबिट हो रहे। अच्छा डेट डाल दो, डेट करेगी इसमें जनवरी 20। रिलेशनशिप दो के साथ है, दोनों नाम लिखेंगे, एक तो लिखेंगे टू कमीशन और दूसरा क्या रखेंगे? टू फीस अकाउंट। क्लियर है? बस में आ गया। जो स्टूडेंट पहले नाम भरते हैं ना, वो 100% ये गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो नाम भरते हैं ना कमीशन का नाम भरते हैं और फीस का नाम भरते हैं, तो नाम भरते वक्त जो है वो फिगर गलत भर देते हैं इसके अंदर। अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है? अमाउंट उठा लेना है। जब अमाउंट उठाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे लेकर चलते हैं। आगे अगली चीज़ हमारे पास क्या है? कमीशन का अकाउंट। कमीशन का अकाउंट क्या होना है भाई? क्रेडिट। कहाँ है कमीशन अकाउंट? ये रहा कमीशन अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट में कितना लिखना है भाई? कमीशन अकाउंट की क्रेडिट में 1,200 रुपये। डेट डालेंगे क्या? डेट डालेंगे इसमें जनवरी 20, और नाम क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है? और फीस अकाउंट कितना लिखा भाई? 800 रुपये क्रेडिट। ये रहा फीस अकाउंट, 800 रुपये क्रेडिट करो, डेट डालो जनवरी 20, और नाम किसका लिखें यहाँ पे भी? बाय कैश अकाउंट। क्लियर है ना सबको? अब जैसे समझ लेना, जो बच्चे पहले नाम लिखते हैं वो कैसे गलती करते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक लिखते हैं। वो कहते हैं जी कमीशन और फीस का नाम भरा और रकम वहाँ से देख ली, कितनी रकम है? 1,200 और 800। आपको सर बिल्कुल करेक्ट है, 1,200-800 आप भी दिखा रहे हो।
फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वो नाम पहले लिखेंगे किसका, कैश का, और कैश के आगे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 2000। और फिर देखेंगे अगला फीस का अकाउंट क्रेडिट है, फीस का अकाउंट क्रेडिट, उसमें भी पहले नाम भरेंगे किसका, कैश का, और कैश की रकम भर देंगे यहाँ पे भी कितनी, भैया यहाँ पे कहाँ फीस के अंदर 2000 लिखा है, फीस को तो कितना क्रेडिट होना था, 800। अगर तुमने नाम पहले भरा तो तुम अमाउंट भी वही भर दोगे। यहाँ पे देखो नाम भरोगे, यहाँ पे गलती नहीं हो रही, कमीशन का नाम आ रहा है, रकम भी उसकी आ रही, कमीशन देखो कितना लिखा हुआ है, 1200, नाम भी कमीशन का, रकम भी कमीशन की, अगला नाम भी फीस का है और रकम भी फीस की है। लेकिन यहाँ पे चेक करो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नाम तो कैश का है लेकिन रकम कैश वाली नहीं आई है, जर्नल एंट्री में कैश कितना लिखा था, 2000, जबकि मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, 1200। क्यों? क्योंकि कमीशन को 1200 से क्रेडिट करना है भाई। तो पहले सबसे पहले तुम रकम क्रेडिट करो, नाम सिर्फ रिलेशनशिप के लिए भरते हैं, फिगर के लिए नहीं भरते। हमारा एड्रेस है कमीशन 1200 क्रेडिट, तुम कमीशन 2000 क्रेडिट कर दोगे अगर तुमने नाम पहले भरा तो, क्योंकि कैश के आगे 2000 दिखाई देगा, तुम 2000 ही भर के आ जाओगे, जबकि जर्नल एंट्री में कमीशन को बोला गया था सिर्फ 1200 क्रेडिट करना है, 2000 क्रेडिट नहीं करना है। सही है, समझ में आ गई बात? मैंने इसलिए तुम्हें बताया बारीकी से कि तुम्हें ध्यान रहे कभी भी नाम के चक्कर में नहीं आना है, नाम तो सिर्फ बाद में लिखना है, सबसे पहले फिगर को सही डेबिट और क्रेडिट करना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगली एंट्री, अगली एंट्री में लिखा है सेल्स रिटर्न हो गई है सोहन के साथ 1200 रुपये की। अगर सेल्स रिटर्न हो जाती है तो हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा January 22 को, और सेल्स रिटर्न से गुड्स हमारे पास आते हैं तो डेबिट होगा। टू, सोहन ने माल लौटाया, लायबिलिटी सॉरी एसेट हमारी थोड़ी कम हो जाएगी 800 रुपये की। अब इसकी पोस्टिंग करने के लिए मुझे एक नया अकाउंट चाहिए, कौन सा अकाउंट चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो एक अकाउंट और मुझे बनाना पड़ेगा सेल्स रिटर्न का अकाउंट, ये बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बताइए इसमें सेल्स रिटर्न को क्या किया जा रहा है, डेबिट, कितने से, 800 रुपये। देखो मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, डेट डालेंगे January 22, रिलेशनशिप बनाएंगे इसका किसके साथ, सोहन के साथ, और सोहन को क्रेडिट करना है। देखो सोहन का अकाउंट हमने बनाया होगा, ये रहा सोहन का अकाउंट, सोहन को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट 800 रुपये से क्रेडिट करो, डेट डाल दो इसमें January 22, और बाय लिखेंगे यहाँ पे किसका नाम, सेल्स रिटर्न। क्लियर है? अगली एंट्री मोहन की और परचेज रिटर्न की एंट्री है, मुझे फिर से एक आखिरी अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें, बस ये आखिरी अकाउंट है, उसके बाद जो नाम आया है उन दोनों नाम के अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाए हुए, तो एक अकाउंट और बस आखिरी बनना है, वो है हमारा परचेज रिटर्न का अकाउंट, क्योंकि जनरल एंट्री में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है परचेज रिटर्न। अगली जनरल एंट्री है जिसमें मोहन को हमने सामान लौटा दिया है 1000 रुपये का, और इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, January 27, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, और ये एंट्री कितने से बनने वाली है, ₹1000। तो दो अकाउंट की नीड है हमें, एक तो मोहन, दूसरा परचेज रिटर्न। मोहन का अकाउंट तो हमारे पास था, मोहन का अकाउंट तो ये रहा, परचेज रिटर्न नहीं है, इस अकाउंट को बना देते हैं अपना परचेज रिटर्न अकाउंट। सबसे पहले बताइए मोहन क्या हो रहा है इस जनरेटिंग, डेबिट, कहाँ है मोहन, ये रहा मोहन और ये रहा डेबिट का एड्रेस इसका, 1000 रुपये रकम भरो सबसे पहले, अब गलती के चांस ही खत्म हो गया। डेट डालेंगे January 27, नाम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न, ये अच्छे से समझ लेना, जो नाम ऊपर लिखा है वो नाम नीचे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, परचेज रिटर्न में क्रेडिट होने 1000 रुपये, ये रहा परचेज रिटर्न, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं 1000 रुपये, डेट डाल देते हैं यहाँ पे January 27, और नाम क्या लिखेंगे, बाय मोहन। क्लियर है? आखिरी एंट्री बची है इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, हमें सोहन से कैश मिल गया, डेट है January 28, कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू सोहन 1200 रुपये। तो कहाँ का एंट्री आएगी, तो कैश अकाउंट में कैश डेबिट होने वाला है, कैश अकाउंट देखो डेबिट हो जाएगा 1200 रुपये, 1200 रुपये डेबिट कर दिया, डेट डाल देते हैं 28, नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सोहन, और सोहन को क्रेडिट क्या जा रहा है, यह सोहन, सोहन को क्रेडिट कर दो 1200 रुपये, डेट डालो January 28, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, ये सारा काम करने के बाद, अब मैंने ये सारी की सारी पोस्टिंग कर दी है, लेजर हमारे हो गए हैं कंप्लीट,
ये काम करने के बाद आपको मंथ एंड होने पर सभी अकाउंट के अंदर देखना पड़ता है कि अब उनकी क्या पोजीशन, मतलब कितना लेन देन हुआ और अब हमारे पास वो चीज़ कितनी बैलेंस बची हुई है। तो इस चीज़ को अगले स्टेप में लेकर जाते हैं। अगले स्टेप में हमें अपने अकाउंट्स का टोटल करना होता है और उसमें डिफरेंस कितने का है वो आइडेंटिफाई करना होता है। ये जो डिफरेंस होता है वो आपका बैलेंस होता है। अब सबसे पहले हमने देखो कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में बहुत सारी यूनिट्स में एंट्री आ गई है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि जर्नल एंट्री मुझे जरा देख के बताओ कि मेरे पास कितना कैश बचा हुआ है आप ये यूज़ करने के लिए। तो आप उसके अंदर बहुत सारी जर्नल एंट्री थी, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे थे पता नहीं कितना कैश बचा हुआ है। अब देखो मैंने कैश का अकाउंट बना लिया, जितनी जगह पे कैश आया सारा एक घर में इकट्ठा कर लिया। कई एंट्री में आया कैश, कहीं पे डेबिट में आया, कहीं पे मैंने क्रेडिट में आया। अब मुझे जर्नल एंट्री दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम मुझसे सवाल पूछते हो सर कितना कैश बचा, मैं दो मिनट में बताऊंगा कैश कितना बचा है। इवन मैं तुम्हें एक एक कारण बता सकता हूँ कि इस पूरे महीने में, जनवरी के महीने में मैंने कैश का कितनी बार यूज किया है, सारा कुछ मेरे सामने नजर आ रहा है। ये देखो कैश अकाउंट है, पूरे महीने का कैश का रिकॉर्ड है ये, इसके अलावा कैश का कुछ भी नहीं यूज हुआ। और ये कैश हमारा बाय नेचर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से असेट्स में आता है, लायबिलिटीज में आता है कि कैपिटल में आता है। इसके नाम असेट्स में, असेट्स का रूल कहते हैं जब वो बढ़ती है तो डेबिट होती है और जब वो घटती है तो क्या होती है क्रेडिट। तो इसका मतलब जब भी कैश बढ़ा होगा तो तुमने इधर एंट्री की होगी और जब भी कैश घटा होगा तो तुमने इधर एंट्री की होगी। अब मेरे से सवाल पूछो कि सर बिजनेस में पैसा कहां से आया, तो मैं बता सकूं बिजनेस में पैसा इस महीने में सिर्फ 5 बार आया तुम्हारे पास, इस पूरे महीने में सिर्फ 5 बार तुमने पैसा लिया है। कहां कहां से पैसा लिया सबके रिलेशनशिप लिखे थे मैंने, इसलिए मुझे पता है कि कहां से कौन सा पैसा आया। सबसे पहले जनवरी की 1 तारीख को बिजनेसमैन ने घर से लाके बिजनेस को पैसा दिया था और कितना पैसा दिया था 50,000। अगली बार मुझे कैश कलेक्ट करने का मौका मिला 6 जनवरी को, उससे बीच में कैश कभी नहीं आया मेरे पास। 6 जनवरी को पैसा कहां से आया और कितना आया, भाई सेल किया था, माल मेरा बिका था और उससे मुझे कितना कैश न्यू कलेक्ट हुआ था, 5,000 मुझे नया कैश कलेक्ट हुआ था। उसके अलावा मुझे 20 तारीख को 2 जगह से इकट्ठी पेमेंट आई है, 20 तारीख को, बीच में पैसा कहीं से नहीं आया। और कहां कहां से आई है पेमेंट, 2 रीजन से पेमेंट आई है। एक मैंने किसी का कमीशन से पैसा लिया, काम क्या होगा कमीशन, दूसरा मैंने फीस से। कितना पैसा कमीशन से मिला मुझे, 1200 रुपये, और 800 रुपये कहां से मिला, फीस से। और एक आखिरी बार कैश मुझे और रिसीव हुआ, कौन सी डेट पर रिसीव हुआ, 28 जनवरी को मुझे पैसा मिला। कहां से पैसा मिला, सोहन ने मुझे दिया। देखो कितना ब्यूटीफुली मुझे साफ नजर आ गया कहां कहां से पैसा मिला। अच्छा अब तक ये सारा पैसा तुम्हारी जेब में टिका नहीं होगा, तुमने कई जगह इस पैसे को खर्च भी कर डाला है। कौन कौन सी डेट पे कितना कितना पैसा खर्च हुआ और कहाँ खर्च हुआ सारा मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे जर्नल एंट्री खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं, मुझे सारा कैश का डिटेल पता चल गया है। सबसे पहली बार मैंने कैश को यूज़ किया था जनवरी 4 तारीख को और तब मैंने 7,000 रुपये यूज़ किए थे किस काम के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए, मुझे यहां से साफ नजर आ रहा है। दूसरी बार मैंने कैश का यूज़ किया था अगले ही दिन 5 तारीख को और अगले दिन मैंने 5,000 रुपये कैश का यूज़ किया था किस काम के लिए, फर्नीचर खरीदने में यूज़ किया था। उसके बाद फिर मैंने एक ही दिन में 2 बार कैश का यूज़ फिर से किया था, कौन सी तारीख को, 15 तारीख को मैंने यूज़ किया था। तब मैंने 2 पेमेंट की थी, कौन कौन सी पेमेंट की थी, एक वेजेस के 4,000 रुपये दिए थे, दूसरा सैलरी के 2,500 दिए थे। समझ आ रहे ब्यूटीफुली कितना मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जर्नल एंट्री जो सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी, लेजर पोस्टिंग होने के बाद वो सारे जो सवालों थे वो सारे के सारे जवाब मिल जाते उनके। और अब मैं ये भी बताया तो मेरे पास कितना कैश बचा रह गया, उसके लिए मुझे बस क्या करना है, टोटल करना है कितना कैश आया कितना कैश गया। देखो मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने टोटल किया। इसके अंदर टोटल करना भी एक इसके अंदर आर्ट है, लेकिन टोटल भी हम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में आप टोटल करते हैं वैसा तरीका हम फॉलो नहीं करते हैं। अकाउंट्स में देख लो कितना ब्यूटीफुली हमने अपने डेटा को अरेंज कर लिया, इन्फॉर्मेशन आने लग गई हमारे सामने, सारा का सारा डिटेल आने लग गया। अब हम टोटल कैसे करते हैं, टोटल करने का जो तरीका है आप दोनों साइड का टोटल सेपरेटली पहले एक जगह पे कर लो, डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना है। डेबिट का टोटल करता हूँ, पहले 50,000 है, उसके बाद 5,000 है, उसके बाद 1,200 है, उसके बाद 800 है और उसके बाद फिर 1,200 है, यह है 58,200। मैं डेबिट का और क्रेडिट का अलग अलग टोटल यहाँ पे लिख रहा हूँ, 58,200। क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, 12,000 है पहली दो एंट्री का टोटल और उसके बाद है 6,500, यह है 18,500। क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, हाँ दोनों फिगर सेम नहीं है तो डिफरेंस होगा, बताओ कितने का डिफरेंस है। आप पैसे पता चलेगा डिफरेंस, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिफरेंस का पता चल जाएगा, बड़े में से छोटी रकम को घटा दो, बस कोई भी साइड जो बड़ी है उसमें से छोटे को घटा के डिफरेंस बता दो, माइनस कर दो। अगर मैं 58,200 में से तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 39,700, ये डिफरेंस आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भरा नहीं है, मैंने रफ में तुम्हें बताया कि मैंने क्या किया, मैंने डेबिट का टोटल अलग कर लिया, मैंने क्रेडिट का टोटल अलग कर लिया, ये दोनों टैली नहीं कर रहे थे, इसके बीच में था डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 39,700। अब देखो कैसे लिखते हैं हम इसके अंदर,
टोटल करने का तरीका है, एक ही रॉ यूज़ करनी है, एक ही लाइन में होना चाहिए टोटल हमेशा, और एक ही लाइन में जो टोटल होगा, जो बड़ा टोटल तुम्हारे पास आया था डेबिट और क्रेडिट दोनों में से, जो बड़ा टोटल आया था, कौन सा बड़ा टोटल है, 58,200 के 18,500, 58,200 जबरदस्ती चाहे हो चाहे ना हो दोनों साइड भर दो 58,200, इधर भी भर दो और इधर भी भर दो। आप कहोगे सर इधर तो है नहीं, आप झूठ भर रहे हो, इधर तो चलो 58,200 तो झूठ भर दिया, इधर 58,200 नहीं है, इधर तो कितना है 18,500, गलत लिख रहे हो 58,200। कोई बात नहीं, जो डिफरेंस है वो डाल दो तो टैली हो जाएगा, लेकिन कितने का डिफरेंस है 39,700, ये भर दो तब तो टैली हो जाएगा, इतने का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस मैंने भरा रियलिटी में ये बचा हुआ पैसा, ये पैसा आया था, ये पैसा तुम्हारा चला गया, खर्च हो गया, तो इतने पैसे में से इतना पैसा खर्च हो गया तो बताओ कितना पैसा बचा तुम्हारे पास 39,700। और इसी को हम महीने की, क्योंकि आखिरी डेट तक की एंट्री आ गई थी भाई, 28 तारीख के बाद ना कैश आया ना कैश गया, महीना खत्म करेंगे 31 तारीख को और बोलेंगे कि ये हमारे पास ये सारा काम लेन देन करने के बाद क्या बचा, बैलेंस बचा, क्या बचा, ये बैलेंस। अच्छा, इस बैलेंस को भी एक नाम देते हैं, इस बैलेंस को नाम देते हैं सीडी बैलेंस। सीडी का मतलब है कैरी डाउन। मुझे बताइए ये जो कैश तुम्हारे पास बच गया जनवरी की आखिरी तारीख को, क्या करोगे उस पैसे का, अगले दिन जाके गटर में फेंक दोगे क्या, क्या करोगे, आगे यूज कर लेंगे, फरवरी में यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत क्या परेशानी क्या है। तो भाई ये जो बैलेंस बचा उसको सीडी बोलते हैं। सीडी का मतलब हम इसे डाउन लिखेंगे यूज करने के लिए मान के चलेंगे। तो अभी हम लिखे कैरी डाउन, कैरी डाउन का मतलब इसे कंटिन्यू करेंगे, वेस्ट नहीं हो गया, इसे क्या करेंगे कंटिन्यू। कहाँ कंटिन्यू करें, तुमने टोटल कर डाला, अरे टोटल के नीचे नया महीना शुरू होगा, हमने टोटल कर दिया अकाउंट बंद थोड़ी हो गया, टोटल के नीचे फिर से नई डेट डलेगी, नई डेट कौन सी होगी फरवरी की 1 तारीख। बिजनेस तो सालों साल चलेगा, अभी तो फरवरी भी आएगा, फिर फरवरी का टोटल होगा, फिर मार्च आ जाएगा, मार्च का टोटल होगा, फिर क्या आ जाएगा अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल का टोटल होगा, फिर मई आ जाएगा, आगे बैलेंस चलाते रहेंगे। हर बार जब भी टोटल करोगे तो जो बच जाएगा उसको क्या नाम दोगे, सीडी बैलेंस। सीडी का मतलब इसे नीचे कंटिन्यू करेंगे, सीडी माने कैरी डाउन, कैरी करेंगे डाउन में, तो डाउन में कैरी कर रहे हैं हम हमसे, इसी को साइड बदल देना। लेकिन क्यों साइड बदल देंगे, क्योंकि हमेशा बैलेंस उस तरफ लिखा जाता है जिस तरफ का टोटल बड़ा था। बताइए कौन सी साइड का टोटल बड़ा था, डेबिट का या क्रेडिट का, डेबिट। आपने टैली करने के लिए यहाँ पे डाला, बड़ा तो इधर है ना बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब है बचा हुआ बैलेंस है, ये जो पिछले महीने बच गया था वो हमने आगे कंटिन्यू कर दिया। टोटल के ऊपर सीडी नाम रखना है, चाहे डेबिट में लिखो चाहे क्रेडिट में, और टोटल के नीचे उसी बैलेंस को क्या बोलना है, बीडी बैलेंस। बीडी बैलेंस यानी ब्रॉड डाउन, ऊपर से नीचे ले आए। सीडी का मतलब नीचे जा रहा है भाई, और बीडी का ना ऊपर से आया, तो इसलिए नीचे हमेशा जब लिखेंगे टोटल के नीचे तो बीडी। अच्छा, टोटल के आगे क्या लिखना है, टोटल के आगे ब्लैंक है एकदम, ना यहाँ पे कोई डेट है ना यहाँ पे कोई नाम है, टोटल भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, सिर्फ रकम है। टोटल के ऊपर आखिरी बैलेंस है, टोटल के नीचे व्यू बैलेंस कंटिन्यू कर लिया गया, क्लियर है। चलो अगला अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। डेबिट में कितना टोटल है, क्रेडिट में कितना टोटल है, डेबिट में तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, जीरो है, जो भी रकम है किधर है, क्रेडिट में। तब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, जीरो है, और यहाँ पे कितना है 50,000, यही तो है। फोर्सफुली जबरदस्ती मैं वही टोटल दोनों जगह भरूंगा जो बड़ा है, तो जीरो और 50 है, मैं कौन सा टोटल बड़ा है, 50 है, इधर भी 50,000 और इधर भी 50,000, डिफरेंस बता दो इन दोनों के बीच में कितने घटे, बड़े में से छोटा घटाओ, 50 का डिफरेंस है, 50 में से जीरो घटेगा 50,000, तो इधर तो टैली हो रहा होगा, इधर टैली हो ही नहीं रहा, भर दो डिफरेंस तो टैली हो जाएगा, कितना भरूंगा पूरा 50,000। अगर कोई रकम होती तो कम भरना पड़ता है, यहाँ पे रकम ही नहीं मिली, पूरा भरेंगे। क्या डेट डालेंगे, जनवरी 31st। अभी जो बैलेंस है वो वेस्ट कर देंगे क्या, नहीं, ये भी सीडी बनाएंगे, आगे जाके यूज़ करेंगे, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी। इधर भी देखो टोटल के ऊपर सीडी था, साइड से फर्क नहीं पड़ता है, तो टोटल के ऊपर ना तो सीडी। और अब अगला महीना चल जाएगा, शुरू हो जाएगा दूसरी साइड में, फरवरी की 1 तारीख को इसे बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्लियर समझ आ गई बात, इसमें भी टोटल करना है। अब इधर साफ ही नजर आए 11,500 है, इधर जीरो है, तो मैं क्या लिख के दिखाऊंगा, वहाँ पे साफ नजर आए 11,500 है, दोनों तरफ जबरदस्ती भर देंगे 11,500, इधर भी 11,500, इधर भी जबरदस्ती भर दो 11,500, है जीरो लेकिन, तो जो डिफरेंस है डाल दो, कितना डालना पड़ेगा, पूरे 11,500 डालना पड़ेगा जनवरी 31st बाय बैलेंस सीडी। लेकिन सीडी आगे जाके क्या बन जाता है, टोटल के नीचे बन जाएगा बैलेंस बीडी, और साइड बदल जाएगी क्योंकि बड़ी वाली साइड में ही बैलेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो जबरदस्ती डाला था, बैलेंस तो इधर का भी बड़ा था, था नहीं बड़ा,
तो इधर ही वापस लौट के आएगा, फरवरी की 1 तारीख टू बैलेंस बीडी। फर्नीचर अकाउंट एक ही साइड एंट्री है, कितने की एंट्री है? इधर 5000, ध्यान रखना इधर ही निकलेगा फिर बैलेंस लास्ट, क्योंकि बड़ी यही साइड है। जबरदस्ती टैली करने के लिए दूसरी साइड लिखेंगे पहले, क्या? जनवरी 31st बाय बैलेंस सीडी, लेकिन वो आगे जाके क्या बन जाएगा? टोटल के नीचे बन जाएगा वो बैलेंस बीडी। कौन सी डेट होगी? फरवरी की 1 तारीख टू बैलेंस बीडी। अब आ जाओ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में किधर बैलेंस जा रहे भाई? 7000 क्रेडिट। देख रहा मैंने टोटल उसी के सामने लिखा है, दो लाइनें ऊपर भी लिख सकता था, 7000 जबरदस्ती डाल दो यहाँ पे भी 7000, इधर तो आ नहीं रहा 7000, तो जो डिफरेंस है डाल दो। कितना डिफरेंस डालोगे? डेट डालेंगे यहाँ पे जनवरी 31st टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस वेस्ट तो होगा नहीं, आगे गिनती शुरू रखेंगे इसकी। तो यहाँ पे साइड बदल के फरवरी की 1 तारीख को क्या बना देंगे इसे? बैलेंस बीडी 7000। मोहन की तो दोनों साइड में एंट्री आ रही, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कभी कभी एंट्री आनी चाहिए दोनों साइड, जिससे कि हमें डिफरेंस रियलिटी में निकालने का मौका मिले। अब इधर है 1000, वहाँ पे 4500, कितना भर दो दोनों तरफ? 4500 भर दो दोनों तरफ, इधर भी डाल दो 4500, इधर भी डाल दो 4500, जो बड़ा टोटल है दोनों तरफ भर दो। उधर तो टैली कर रहा है, इधर टैली नहीं कर रहा, भर दो डिफरेंस टैली हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है? 3500। इसे जनवरी 31st में क्या बोलेंगे? बैलेंस सीडी, और उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे यहाँ पे लिखेंगे फरवरी की 1 तारीख बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बचा था? 3500, हमने आगे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इधर सोहन के अकाउंट में देखो, बहुत ही बढ़िया बात हो गई इस बार, तुम इधर का टोटल भी 2000 और उधर का टोटल भी, तो बताओ तुम्हें अपनी तरफ से कितना डिफरेंस डालना पड़ा? 0। तो इसका अलावा इसमें कोई बैलेंस सीडी बीडी का चक्कर ही नहीं है, दोनों साइड का टोटल इक्वल है, ना कोई डेबिट बैलेंस है ना कोई क्रेडिट बैलेंस है। वेजेस अकाउंट डेबिट में है 4000, क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जनवरी 31 में ही क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, और टोटल के नीचे फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बीडी, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? 2500। ज़्यादातर अकाउंट में तो एक ही साइड में बैलेंस चलता है, तो वह जो टोटल होता है वही बैलेंस में भर दिया जाता है, फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और फिर फरवरी की 1st डेट पे बन जाएगा ये बैलेंस बीडी, ठीक है। इधर आ जाओ कमीशन अकाउंट, क्रेडिट में ही है 1200 रुपये, डाल दो इधर भी 1200 रुपये, और जनवरी 31st में लिख दो इसे टू बैलेंस सीडी, और फिर फरवरी की 1st डेट पे बन जाएगा ये बैलेंस बीडी। इधर सिर्फ 800 रुपये, जनवरी 31st टू बैलेंस सीडी, और फरवरी 1st बाय बैलेंस बीडी, इधर 800, जनवरी 31st बाय बैलेंस सीडी, और फिर फरवरी 1st टू बैलेंस बीडी। क्लियर है सबको? आखिरी अकाउंट है 1000, जनवरी 31st टू बैलेंस सीडी, और फरवरी 1st बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है? ये काम करने के बाद फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। आज तुम्हारे 3 चैप्टर इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री बना दी, जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग कर दी, लेजर पोस्टिंग के बाद टोटल कर लिया, अब टोटल करने के बाद अगला चैप्टर जो है वो भी अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा अकाउंटिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वो है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैंने कहीं गलती कर दी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल गलती कर दिया मैंने, इतने सारे अकाउंट है, टोटल गलत हो सकता है, हो सकता है मैंने कोई एंट्री मिस कर दी हो सकता है, नहीं हो सकता? तो जब इतने सारे अकाउंट बन जाते हैं तो हम कैसे भरोसा करें कि हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो एक्यूरेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? तो अकाउंट्स की एक ब्यूटी है कि ये अपने आप को सेल्फ चेक भी करता है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कहीं अगर मैंने गलती की है कि नहीं की है, अगर गलती की होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? वो आपका बुक में न्यू चैप्टर है वैसे तो, लेकिन इसी के साथ लिंक्ड है तो मैं यहीं पे उसको करवा रहा हूँ इसके अंदर। कैसे हम इसके अंदर ये पता लगा सकते हैं? हम इसके लिए बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। अच्छा, जो ट्रायल बैलेंस है
उसमें क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं डेबिट में क्या बैलेंस बचा और क्रेडिट में क्या बैलेंस बचा। आपने जो ये अकाउंट बनाया उनमें ज़रूरी नहीं है सब अकाउंट में बैलेंस बचाओ। एक जैसे सोहन का अकाउंट है उसमें बैलेंस नहीं बचा, लेकिन मोस्टली अकाउंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस बचा है। जो साइड बड़ी होती है, जो साइड का टोटल बड़ा आया होता है, जिस भी साइड का टोटल बड़ा आया है, उसी साइड के टोटल, उसी साइड में बची हुई रकम को हम बैलेंस बोलते हैं। तो बताइए कैश का कौन सा टोटल बड़ा आया था? डेबिट का। और आपने क्रेडिट साइड में सीडी डाल के बड़ा टोटल आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया होगा। शॉर्टकट में बोलूँ तो जो बीडी जहाँ पे लिखा है वो साइड बड़ी आई होगी, जहाँ पे आपने बीडी बैलेंस लिखा है वो साइड बड़ी आएगी। सीडी टैली कराने के लिए यूज़ करते हैं, बीडी आगे रियल बैलेंस होता है। तो आपने कैश की सारी एंट्री करने के बाद कैश में बताइए कितना बैलेंस निकाला, कितना बैलेंस निकाला? 39,700 लिख दो, डेबिट साइड में निकाला। अच्छा, फिर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस निकाला है, कितना बैलेंस निकाला है? 50,000। कौन सी साइड का बैलेंस मानेंगे? क्रेडिट, क्योंकि टोटल बीडी में हमने जो लिखा है वो क्रेडिट लिखा, तो बड़ी इसका मतलब क्रेडिट साइड बड़ी निकली थी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट कितना? 50,000। चलिए अगला अकाउंट है हमारा परचेज अकाउंट। बीडी बैलेंस देख लो, उसी पता चलेगा। 11,500 परचेज अकाउंट डेबिट है। चलिए अगला अकाउंट कौन सा था? फर्नीचर अकाउंट। 5,000 डेबिट है, 5,000 डेबिट है, ले आओ फर्नीचर अकाउंट, 5,000 डेबिट है। अच्छा, इसके बाद सेल्स अकाउंट में कितना बैलेंस है? 7,000 सेल्स अकाउंट में क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में भर दो। अगला है मोहन का अकाउंट। मोहन के अकाउंट में 4,500 टोटल था, बैलेंस 3,500 है, लेकिन टोटल 4,500 है, बैलेंस 3,500 है। कौन सी साइड में है? मोहन के अंदर क्रेडिट साइड में लिखो 3,500। टोटल नहीं भरना है, जो बैलेंस है वो भरना है। सोहन में तो बैलेंस ही नहीं है, दोनों से एक टोटल बराबर आ गया था, नहीं भरेंगे इसका नाम। फिर वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट 4,000 पे डेबिट है। और सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट में 2,500 पे डेबिट है। और उसके बाद कमीशन अकाउंट, कमीशन में 1,200 रुपये क्रेडिट है। उसके बाद है हमारा फीस अकाउंट, फीस अकाउंट में 800 रुपये क्रेडिट है। और नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट उसके अंदर हमारा डेबिट बैलेंस है 800 रुपये। और लास्ट क्या है इसके अंदर? लास्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना? 1,000 रुपये क्रेडिट है। ठीक है जी, अब हम टोटल देखते हैं कि किसमें कितना बैलेंस है। पहला बैलेंस है 39,700, फिर 11,500, उसके बाद 5,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 2,500, और उसके बाद है 800। मेरे पास टोटल आ रहा है 63,500। क्रेडिट में देखते हैं, पहले 50,000, उसके बाद है 7,000, उसके बाद है 3,500, उसके बाद 1,200, उसके बाद 800, और उसके बाद है 1,000 रुपये। टोटल फिर से कितना आ रहा है? 63,500। दोनों साइड का बैलेंस रकम कितना आया है? 63,500। अगर आपने कहीं पे भी एक भी अकाउंट में टोटल की मिस्टेक की, लिखने में मिस्टेक की, तो ये टोटल दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा। तो मतलब आपको किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया। खुद ही अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि ठीक हुआ या गलत हुआ। टैली हो गया तो ठीक है, टैली नहीं हुआ तो गलत है। क्लियर है? कंप्लीट है फिर।